माय चैनल गाइस गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जो ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट बना रहे थे, ओके, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा, ये मोस्टली अब हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने एडमिन भी इसका बना लिया है, ठीक है। अभी हमने एडमिन में बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें ऐड किए हैं, देखिए। एंड इसमें हमने मल्टीपल इमेजेस का फंक्शनैलिटी भी ऐड करी थी, ठीक है। देखिए, यहाँ से आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं एंड इसको अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड अभी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। एंड ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। एंड यही प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पे शो करा दिया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर एक और फंक्शनलिटी लगाई है, जैसे हम इस पे होवर करेंगे ना किसी आइटम पे, एंड इसकी सारी इमेजेस यहीं पे हमारी दिख जाएंगी स्क्रॉल होकर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक स्लाइडर लगा दिया, सिल्क स्लाइडर, जो कि हमने होवर पे इसको हमने प्ले कर दिया। देखिए कितना ऑसम लग रहा है ये, ठीक है। एंड आप जाके इस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये प्लेलिस्ट हमारी बहुत ज्यादा ऑसम चल रही है इस टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर आप मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स पर नहीं है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देखिए, इसको भी आप अपने हिसाब से स्क्रॉल कर सकते हैं, कितना ऑसम लग रहा है। यहीं से प्रोडक्ट हमारा दिख जाएगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इसके क्लिक पे आप यहाँ से भी हमारे सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पर मॉडल में इसके शो हो जाएंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है ना। एंड प्रीवियस वीडियो में तो मैंने इसको सिंपल दिखाया था, बट इस वीडियो में मैं यहाँ पर इसमें स्लाइडर मैंने ऐड किया। तो कैसे मैंने ऐड किया, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये हमारा ये प्रोडक्ट का कॉमन कार्ड है, ये सबका एक कॉमन ही है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टेट लिया है इस होवर, एंड इसको फॉल्स किया है। मैंने भी एक स्लाइडर का रेफ बना लिया है, ओके। एंड यहाँ पर सिक्स स्लाइडर को ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। एंड देखिए, उसके बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पर सिल्क स्लाइडर को इंपोर्ट किया, ठीक है ना। ये हमारा स्वाइपर स्लाइडर था, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। एंड उसके बाद इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन है सारी, ठीक है ना। एंड ऑप्शन है इसके सारे, तो इसमें डॉट ट्रू है, इन्फिनेट ट्रू करना है, लूप ट्रू, स्पीड इतनी होगी, एंड एक बार में एक स्लाइड दिखेगी, एंड ऑटो प्लेस का ट्रू रहेगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जब मैंने इसको होवर किया ना, तो मैंने क्या काम किया, स्लाइडर रैप डॉट करंट डॉट स्लिक प्ले, यानी कि जैसे मैंने होवर किया इसको प्ले कर दो, एंड जैसे मैंने माउस हटाया वहां से इसको पॉज कर दो फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड देखिए, इसके यहाँ पर इसमें मैंने दो फंक्शन कॉल किए हैं आइटम पे, ऑन ऑन माउस एंटर एंड ऑन माउस लीव, ठीक है ना। दोनों फंक्शन ये कॉल हो रहे हैं ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, एक जो मैंने होवर पे ये ट्रू फॉल्स हो रहा है ना, इस होवर ट्रू फॉल्स, तो मैंने इसके बेस पे यहाँ पर इसको रेंडर करा दिया इस स्लाइडर को। देखिए, अगर ये होवर ट्रू होता है तो स्लाइडर रेंडर हो जाएगा, अदरवाइज सिंपल इमेज ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, सिंपल बस यही था, इसके अंदर और कुछ था नहीं, ठीक है ना। एंड इसका मैंने यहाँ पर रैप भी दे रखा है, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये सिंपल था, कोई इशू इसमें है नहीं। एंड आप कोई सा भी प्रोडक्ट इसमें देखिए, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देखिए, मैंने इस पे होवर किया तो ये चल रहा है हमारा प्रॉपर। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इस पे होवर किया, ओके, एंड ये स्लाइडर हमारा चल रहा है प्रॉपर। एंड मैं इस पे होवर करूंगा तो फ्रेंड्स, देखिए ये वाला स्लाइडर हमारा प्रॉपर चल रहा है, ये बेस्ट हो गया हमारा काम, ठीक है ना। तो यूजर यहीं से इसके इमेजेस देख सकता है, एंड यहीं से इसके डिटेल्स देख सकता है, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स, अभी हमने अपने एडमिन में इसमें क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर फिल करी है, देखिए ये रही। एंड इसमें दो तीन डिटेल्स मैंने ऐड नहीं करी है, वो मैं अभी ऐड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया है, ठीक है ना। एंड इन स्टॉक अभी तो इसमें ना डिस्काउंट का रह गया दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है ना। एक डिस्काउंट का रह गया, एक अगर ये फोन ये मोबाइल है तो इसकी रैम डालनी है हमको, हमको एक रैम का ऑप्शन होगा। एंड अगर ये हमारा फैशन से रिलेटेड कोई क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं कुछ, तो इसमें हमारा साइज आएगा, ठीक है। एंड वो हम करते हैं स्टार्ट जल्दी से। तो मैं अपना क्या काम करता हूँ, सब कुछ क्लोज करता हूँ, एंड मैं आता हूँ पहले अपने सर्वर में एंड मॉडल्स में, ये प्रोडक्ट का जो मॉडल है ना, इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, एंड यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर मैं ऐड करूंगा डिस्काउंट, ओके। एंड डिस्काउंट में हमारा क्या होगा, ये होगा टाइप, होगा हमारा नंबर, ओके, ये टाइप हमारा नंबर होगा। एंड यहाँ पर एंड इसमें रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, ठीक है। एक तो हमने ये कर दिया, एंड इसके बाद होगा हमारा प्रोडक्ट रैम्स, ओके। एंड इसके अंदर हमारा जो होगा, ये एक एरे होगा, जैसे हमारा ये इमेज का एरे है ना, कहाँ गया,
ये हमारा इमेज का एरे है, इसे कॉपी करेंगे ठीक है, एंड यहां पर इसको पेस्ट करेंगे ठीक है। टाइप इसका स्ट्रिंग होगा रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड नहीं होगा ये ठीक है ना, रिक्वायर्ड यहां से हटा देंगे एंड सिंपल रखेंगे हम इसको ठीक है ना। जैसे कि सबको हमने ये कर रखा है तो हम सिंपल टाइप इसका स्ट्रिंग ही दे देंगे ठीक है ना। एक ये हो गया हमारा, एंड इसके बाद रहेगा हमारा प्रोडक्ट साइज ओके। एक प्रोडक्ट साइज हो गया, एक एक हो गया प्रोडक्ट रैम्स, एंड अगर हमारा ग्रोसरीज का कोई आइटम है तो उसमें वेट होता है ठीक है ना, प्रोडक्ट वेट ओके। एंड ये भी हमारा हो गया। तो मैंने फ्रेंड्स अभी क्या क्या ऐड करा, डिस्काउंट, प्रोडक्ट रैम्स एंड प्रोडक्ट साइज एंड प्रोडक्ट वेट ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए उसके लिए अब हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, जब हम कोई प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं यहां पर ठीक है फ्रेंड्स, एंड जब हम यहां पर ऐड करेंगे देखिए ये रहा ठीक है ना, एंड इसमें हमारा जो वो होगा क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट की रैम्स होंगी ठीक है ना, तो वो यहां पर हम शो शो कर देंगे। जैसे कि यहां पर क्या क्या लिया है हमने, पहले डिस्काउंट लेंगे ठीक है ना, डिस्काउंट होगा हमारा REQ डॉट बॉडी डॉट डिस्काउंट ठीक है, एंड उसके बाद हमारा होगा प्रोडक्ट रैम्स एंड प्रोडक्ट रैम्स REQ डॉट बॉडी डॉट प्रोडक्ट रैम्स ठीक है, एंड ऐसे ही प्रोडक्ट वेट का ओके, एंड ये प्रोडक्ट साइज का भी हो जाएगा हमारा, ये प्रोडक्ट साइज है एंड उसके बाद है प्रोडक्ट वेट। तो ये प्रॉपर हम यहां पर इस सारी डिटेल्स फिल करेंगे ठीक है ना, एंड ये कॉपी करके मैं पहले ऐड करना देख लूंगा एक बार है ना, और उसके बाद हम इसको एडिट भी कर लेंगे ठीक है। अब अपने एडमिन में जाएंगे यहां से, एंड मैं ओपन करता हूं पेजेस में, प्रोडक्ट में, ऐड प्रोडक्ट में ठीक है, एंड मैं ओपन करूंगा इसका प्रोडक्ट लिस्ट में एंड ऐड प्रोडक्ट देखिए ठीक है ना। तो मैं यहीं पर ही इसमें रेटिंग के बाद ऑप्शन इसमें ऐड कर दूंगा ठीक है, ये रहा रेटिंग ठीक है ना। तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड इसको मैंने कॉपी किया यहां पर, इसको पेस्ट कर दिया एंड यहां पर होगा डिस्काउंट ओके, एंड हमारा कोई हमारा इनपुट है तो वो मैंने कॉपी कर लिया एंड यहां पर इसको पेस्ट, एंड इसका नेम होगा डिस्काउंट ओके एंड फॉर्म फिल डॉट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का हो गया हमारा। एंड यहां पर हमको क्या करना है, एक यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट 0 ओके, एंड उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट रैम्स। तो ये प्रोडक्ट रैम्स है हमारी, ये एक एरे है हमारा, जैसे हमारा इमेजेस का होता है ठीक है। मैंने यहां पर इमेजेस का नहीं लगाया क्या, अच्छा वो नीचे हमारा आ जाता है ठीक है ना, एंड यहां पर एक प्रोडक्ट साइज है, एक प्रोडक्ट साइज को मैंने एक एरे ले लिया ओके, एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट वेट है हमारा, ये प्रोडक्ट वेट भी एरे ओके फ्रेंड्स। तो हमने ये सारा यहां पर एक एक करके कर लिया ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम ऐड करेंगे यहां से। तो जैसे हमारा डिस्काउंट तो हो गया ठीक है ना फ्रेंड्स, एंड उसके बाद यूजर उसके अंदर वो ऐड कर सकता है क्या नाम है, उस प्रोडक्ट की रैम ओके, एंड उस प्रोडक्ट का साइज एंड उस प्रोडक्ट का वेट ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन में सिंपल बना लेंगे ठीक है ना, एंड उसके अंदर सारे ऑप्शंस में ऐड कर दूंगा ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करेंगे, कोई सिलेक्ट ओपन कर लिया हमने ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये डिस्काउंट है हमारा, सो मैं कंप्लीटली से कॉपी करूंगा। देखिए डिस्काउंट तो हमारा यहां भी यहां पर आ गया पहले ठीक है, डिस्काउंट यहां पर आ गया। मैं रिफ्रेश करूंगा इसको एक बार। अब हमको तीन चीजें और चाहिए यहां पर, मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड इसे मैं कॉपी करूंगा, इसरो को सिंपल पेस्ट करूंगा
ठीक है ना। एंड फर्स्ट कॉलम में हमारा होगा यहाँ पर देखिए, कॉलम डी 1 ये रहा, एंड कॉलम डी 4 एक ये रहा, ठीक है ना, एंड कॉलम डी 4 ये रहा, ये तीनों हमारे इसी के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर होगा प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट रैम्स यहाँ पे हो गया, एंड प्रोडक्ट वेट, ओके, एंड यहां पर प्रोडक्ट साइज, ओके। एंड देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, मैं कुछ इसको ओपन करूंगा, मैं यहां से एक वो ले लूंगा, क्या नाम है, सिलेक्ट बॉक्स, ये रहा सिलेक्ट बॉक्स, कहां गया, ये सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है, मैंने इसे कॉपी करा, एंड कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। मैं इसको पहले ऐसे करता हूं, देखिए अभी हमारा व्यू कैसा आ रहा है, देखिए ऐसा आ रहा है व्यू हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट रैम्स, प्रोडक्ट वेट एंड प्रोडक्ट साइज। तो हम यहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट रैम्स जो है इसको यहां पर ऐड कर देंगे, एंड यहां पे हैंडल चेंज प्रोडक्ट रैम्स, ओके, एंड वैल्यू होगी हमारी प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है। एंड इसके अंदर हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे क्या, कि ये जो रैम है हमारी 8 GB होगी, एंड 6 GB, ओके, एंड उसके बाद है 4 GB, ठीक है ना। एंड वैल्यू में सेम टू सेम यही सेंड कर देंगे, मैं एक एक पहले बना लूंगा, ठीक है ना। एंड इसमें तो नल भेज देंगे, ओके। एंड पहले हम इसका ना एक फंक्शन बनाते हैं, देखिए ये है उसका, ठीक है ना, स्टेट का। तो मैं पहले यहां पर लूंगा, इसका नाम होगा हमारा प्रोडक्ट रैम्स, देखिए ये रहा प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है। एंड यहां पर सेट प्रोडक्ट रैम्स, अब ये ब्लैंक है, ठीक है। एंड एक तो ये हो गया, एंड इसका फंक्शन इसे कॉपी किया, एंड यहां पे ऐड कर देंगे सेट प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है। एंड यहां पर जो मैंने ऐड किया था प्रोडक्ट रैम्स, यहां पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पूरा कंप्लीट ठीक कर लिया है, मैं यहां पर जाता हूं, ये कह रहा है हमारा एस ऑलरेडी, अच्छा ये होगा हमारा हैंडल चेंज प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रैम्स का एक ड्रॉप डाउन वहां पे बन जाएगी, ये प्रोडक्ट रैम्स इज नॉट डिफाइंड, ये क्या बोल रहा है, कहाँ पर, 5, 6, 7 में, देखिए ये प्रोडक्ट रैम्स बोल रहा है ये, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। एंड इसको मैं देखूंगा एक बार, देखिए प्रोडक्ट रैम्स में मेरे ये सारी रैम्स आ गई हैं, ठीक है, आप इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ऐसी प्रोडक्ट वेट का हम कर लेंगे काम, तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड इसको पेस्ट करूंगा। सो यहां पर हैंडल चेंज प्रोडक्ट वेट, ओके, प्रोडक्ट वेट यहां पर आ जाएगा, ओके, एंड यहां पर आ जाएगा इसमें 1 KG, 2 KG, एंड 3 KG, ठीक है, ओके। एंड इसमें आप चाहे तो इनका एक अलग से ऐड करा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें यहां पर करते हैं, पाँच सौ ग्राम, ठीक है, सेम टू सेम ये यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड मैं ऊपर जाऊंगा अब, एंड एक और ऐड करेंगे इसमें, यहां पर ये होगा प्रोडक्ट वेट, ठीक है, एंड यहां पर प्रोडक्ट वेट हो गया, एंड इसको कॉपी करेंगे,
सेट प्रोडक्ट वेट, ओके। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट, एंड यहां पर हैंडल चेंज प्रोडक्ट वेट, एंड उसके बाद सेट प्रोडक्ट वेट, एंड यहां पर प्रोडक्ट वेट कैपिटल में, एंड प्रोडक्ट वेट ऐसे ये नाम आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट वेट का भी हो गया, एंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखिए प्रोडक्ट वेट में यहाँ पर पूरा ये चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है हमारा। एंड उसके बाद देखिए हमारा प्रोडक्ट का साइज, ठीक है दोस्तों। तो हम नीचे आएंगे, प्रोडक्ट साइज इसे कॉपी करेंगे, ये रहा, एंड मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इसका नाम चेंज करूंगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइज हो गया, एंड हैंडल प्रोडक्ट साइज कर दूंगा यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर साइज होगा इसका, देखिए हम कोई वो ओपन कर लेंगे, जियो मार्ट, ओके फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड मैं ओपन करूंगा जियो मार्ट, मैं क्योंकि प्रोडक्ट इसी में से ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेके। तो मैं उसमें जाऊंगा फैशन में, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार और, नया तो चल रहा है, देखो चल गया, ठीक है। मैं इसके अंदर आऊंगा फैशन के अंदर, एंड मैन के अंदर ये देखिए यहां पर ना साइज होगा इनका, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर साइज ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें साइज वगैरह का सारा ऑप्शन होगा, आई थिंक। मैं जरा इसे ओपन करूंगा, मैं जरा मैन वाला ओपन करता हूँ इसे, मैं फैशन में मैन में, ठीक है। एंड यहां पर हम अपना सारा इन्फॉर्म, प्रोडक्ट का इस गया, इस प्रोडक्ट का इस गया, इस प्रोडक्ट का इस गया, इस प्रोडक्ट का, देखिए मैं गया, सो मैंने इसको ओपन कर लिया, इस फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। एंड ये इतना लेट क्यों लगा रहा है पता नहीं ओपन होने में, सो देखिए इसमें पहले हमारा साइज क्या क्या होते हैं। एक तो ये होता है, ठीक है ना, स्मॉल होता है, लार्ज होता है, या फिर एस डाल दो, मीडियम, ओके, एंड यहां पर एक्सल, ठीक है ना। ये तीन ही रहने देते हम, क्योंकि मोस्टली साइज ना यही होते हैं, ठीक है ना। ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इनका साइज भी होता है, देखिए साइज ही रहा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, ठीक है ना। XXL भी डाल देते हैं यहाँ पर, XXL, ओके। तो ये सारा हो गया, एंड इस साइज का ऊपर जाएंगे अब हम, ठीक है ना। सेम टू सेम से कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट साइज ये रहा, एंड इसको कॉपी करेंगे, सेट प्रोडक्ट साइज, सेट प्रोडक्ट साइज, ओके। एंड सेम टू सेम इसे कॉपी करेंगे, एंड यहां पर हैंडल चेंज प्रोडक्ट साइज, ठीक है। एंड यहां पर सेट प्रोडक्ट साइज ये रहा, ठीक है। एंड यहां पर प्रोडक्ट साइज ये रहा, प्रोडक्ट साइज, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमने ये सारा ऐड तो कर लिया अपने इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, सारा इंफॉर्मेशन ये हमने यहां पर ऐड कर लिया, ठीक है। एंड यहां पर रेटिंग को ना, खैर कोई, हमारा ये प्रोडक्ट तो सही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको अपलोड करेंगे, तो मैं पहले क्या करता हूं, यहां पर मैं सारे प्रोडक्ट को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा सर्वर बंद हो गया है, क्योंकि इस पर रिक्वेस्ट बार बार गई है, इसलिए, ठीक है ना। इसको मैनेज करेंगे आगे चल के, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया,
ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। एंड देखिए क्लाउडरी पे भी हमारा अब ये जो प्रोडक्ट के इमेजेस थे वो भी डिलीट हो चुके होंगे, ठीक है ना। एंड एक बार हम इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार प्रॉपर। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रीवियस हमारे दिखा रहा है जहां पर हमारी एक एरर आ गई थी, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। एंड वो तो हमारे आइकन्स हैं, कैटेगरी की इमेजेस है, बाकी ये तो हमारी तीन कैटेगरी हमने अपलोड की हुई है, ठीक है दोस्तों। एंड अब मैं यहां पर देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट करने जाऊंगा ना, सो मैंने यहां पर क्या काम किया, देखिए हमने तीन चीज ऐड करी है यहाँ पर, डिस्काउंट, चार चीज ऐड करी है हम डिस्काउंट वगैरह, ठीक है ना। सो हमने क्या काम किया यहाँ पर, डिस्काउंट ये रहा, एंड हमने ऑन चेंज वैल्यू कहाँ लगाई हुई है, इनपुट चेंज ये रहा, ठीक है ना। तो प्रॉपर इसमें वैल्यू जा रही होगी। एंड हमने जैसे जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट रैम्स ये जा रही होगी सारी वैल्यूज। एंड फाइनली एक बार हम ना इसको सबमिट करा के देखते हैं, ठीक है ना। सो मैं यहां पर आता हूँ, एंड मैं यहां पर फॉर्म फील्ड्स को देखिए, यहां पर हमको वो भी कराना है, ठीक है ना, फॉर्म फील्ड्स डॉट अपेंड डिस्काउंट, ओके डिस्काउंट, एक ये हो गया। एंड तीन और हैं, एक दो तीन, ठीक है ना। तो पहली हमारी कौन सी है, ये प्रोडक्ट रैम्स, तो ये हो गया प्रोडक्ट रैम्स। एंड उसके बाद है ये प्रोडक्ट साइज, एंड उसके बाद है प्रोडक्ट वेट, देखिए दोस्तों ये जो हमने ये लिया है ना एरे, ये हमारा एरे नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम सिंपल ये ऐड कर लेंगे, ठीक है, एंड यहां से रिक्वायर्ड हटा देंगे। जस्ट ए मिनट, मैंने कॉपी किया एंड इसको पेस्ट कर दिया, एंड रिक्वायर्ड यहां से हटा देंगे, ओके। एंड यहां पर जो ये डिफॉल्ट में यहां पर रिक्वायर्ड तो सही है, एंड यहां पर डिफॉल्ट में नल रख देंगे, ठीक है ना। एंड ये सेम टू सेम चीज यहां पर भी करेंगे अपने प्रोडक्ट साइज में, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट वेट में भी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एंड ये जो हमने राउट बनाया है ना, यहां पर जो ये आ रहा है, ठीक है, एंड यहां पर हमने देखिए मॉडल हमने बना लिया, एंड फॉर्म फॉर्म डेटा भी हमारी प्रॉपर भी हमारी प्रॉपर भी हमारी प्रॉपर सेव हो रही है, ठीक है ना। एंड मैं एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग करा के देखता हूँ, फॉर्म फील्ड्स, ठीक है, एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं पूरा एक फिल करूंगा एक इस फॉर्म को, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास वो वैल्यूज आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको देखिए प्रोडक्ट नेम है प्रोडक्ट नेम, डिस्काउंट में डिस्काउंट ऐड कर देंगे, कैटेगरी को फैशन करेंगे, एंड सब कैटेगरी मैन कर देंगे, प्राइस में ये प्राइस डाल देंगे ओल्ड प्राइस, एंड ये ट्रू कर देंगे इसको ये, एंड ब्रांड में इसका ब्रांड, एंड रेटिंग 5, एंड डिस्काउंट में 10%, एंड प्रोडक्ट रैम्स में 8 GB, एंड प्रोडक्ट वेट में 500 ग्राम, एंड ये साइज स्मॉल, ठीक है ना। एंड यहाँ पर दो इमेजेस अपलोड करेंगे कोई सी भी, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा पिक्चर में एंड स्क्रीनशॉट, मैं दो इमेजेस यहाँ से मैंने चूज कर लिया, ठीक है। ये हमारी अपलोड हो रही है, देखिए ये हमारी अपलोड हुई। एंड मैं इसको यहां से मैं कंसोल डॉट लॉक करूंगा, ठीक है दोस्तों। एंड मैं कंसोल डॉट लॉक पे गया, एंड जैसे ही मैं यहां पर सबमिट करूंगा, देखिए हमको प्रॉपर ये हमारा फॉर्म मिला, जिसके अंदर हमारा ब्रांड आ गया, कैटेगरी आएगी, काउंट ये डिस्क्रिप्शन भी आ रही है हमारी, एंड डिस्काउंट भी आ गया, एंड इमेजेस के अंदर इमेजेस आ रही हैं, इस जो ट्रू नेम में आ गया, ओल्ड प्राइस प्राइस प्रोडक्ट रैम्स आ गई है, एंड साइज आ गया, प्रोडक्ट वेट आ गए हैं, रेटिंग एंड सब कैटेगरी। तो फ्रेंड्स ये सारा हमारा वहां पर तो आ रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर कुछ एरर आ गया, देखिए क्या एरर आता है ये, अच्छा देखिए हमने यहाँ पर एक काम किया है, यहाँ पर नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर होगी हमारी स्ट्रिंग,
देखिए डिस्काउंट ये नंबर रहेगा एंड ये हमने स्ट्रिंग कर दिया है, ये इसी का ये एरर दिया है ने, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है एंड यहाँ पर हमारी कुछ इमेजेस अपलोड भी हुई है, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है ना, एंड इसको सबमिट करके देखते हैं जरा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको, इस प्रोडक्ट को फाइनली अपलोड करेंगे, एक प्रोडक्ट को, ठीक है ना अपने को। एंड इसको अभी हो जाने दो, ये हमारा सर्वर चल गया है, ठीक है। एंड यहाँ थोड़ा सा नेट मेरा स्लो हो रहा है आई थिंक, कोई बात नहीं। बट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा एंड इसको भी मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। एंड देखिए ये प्रॉपर हमारा आ गया। एंड यहाँ पे देखते हैं जो हमारी इमेजेस अपलोड हुई हैं, इनको पहले डिलीट करते हैं यहाँ से। देखिए ये हमारी इमेजेस अभी अपलोड हुई थी, ठीक है ना, मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब मैं प्रॉपर यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट को ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा से। एंड कैटेगरी ये है, सब कैटेगरी है, प्राइस एंड इसका ओल्ड प्राइस एंड ये ट्रू, ये एंड ब्रांड 5 कर दिया, इसको हमने कर दिया 10, ओके। एंड इसमें 8 GB, ये ठीक है। एंड सब में मैंने डेटा फिल कर दिया एंड मैंने 2 इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैंने 2 इमेजेस यहाँ पर अपलोड करी हैं, तो देखिए ये सारी इमेजेस आ गई हैं। एंड मैं यहाँ पर सेव करूंगा एंड अपने जाऊंगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा फिल होके आएगा ये प्रोडक्ट में, देखिए, ठीक है ना। सो हमने क्या देखा इसके अंदर, प्रोडक्ट में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, इमेज में भी आ रही है, इमेज भी आ रही है, ये हमारा कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड काउंट इन स्टॉक, ठीक है, रेटिंग आ गई, इस फीचर डिस्काउंट भी आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा सब कुछ प्रॉपर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। एंड अब इसको हम यहाँ पर इजिली डिस्प्ले करा सकते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है ना, ये इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अभी क्या करता हूँ, इसको एडिट का भी मैं फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो अभी हमारा ऐड का था, अब मैं एडिट का भी यहाँ पर ऑप्शन कर लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पहले जैसे मैंने ऐड के अंदर किया है ना, यहाँ पर ये कंप्लीट कॉपी कर लिया हमने एंड यहां तक मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये 4 है, इनको भी नीचे, ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पर ये हमारा एरे नहीं रहेगा, ठीक है ना, एंड इसमें ब्लैंक कर देंगे, एरे नहीं है ये। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड नीचे आएंगे, मैं 4 कॉपी करूंगा ये चारों, ओके। एंड यहां पर नीचे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर ये आ गया एंड यहां पर भी मुझे, जब ये मैं डेटा फिल कर रहा हूँ ना, तो यहां पर भी ये आना चाहिए डिस्काउंट में, RES.discount, ठीक है। एंड इनका कीवर्ड्स कैसा है, ठीक है, RES.productramps, ठीक है। एंड यहां पर RES. ये, ठीक है। एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट वेट, सो RES.productweight, ये यहां पर इतना हो गया। एंड इसके बाद हमें फ्यूचर के बाद, हमको ये सब कैटेगरी बाद मेरे को ये कॉपी करना है, दो, ये 3 कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, इससे पहले यहां पर पेस्ट कर दिया मैंने, ओके। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करना एंड यहां पर इसे कॉपी किया मैंने, ओके। एंड जहाँ हमारा ये आ रहा है, इनको मैंने पेस्ट कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशंस भी हमने नहीं लगाई हैं अभी, ठीक है ना, इसको हम वैलिडेशंस भी लगाएंगे अभी, तो हम वैलिडेशंस भी लगा के चलते हैं, ठीक है ना, साथ के साथ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो पहले डिस्काउंट का, डिस्काउंट नल, मैंने डिस्काउंट में ऊपर क्या दिया हुआ है,
ये पहले चेक करते हैं। डिस्काउंट में जीरो और बाकी ब्लैंक है, ठीक है। एंड यहां पर मैंने जीरो दे दिया है, नल कर देंगे, ठीक है ना, यहां पर कर देंगे नल। सो यहां पर मैं कल प्लीज सिलेक्ट द प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है। एंड इसको मैं कॉपी करूंगा। अब आऊंगा इसके, अब क्या रहता है हमारा डिस्काउंट के बाद है प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ। एंड ये प्रोडक्ट टर्म्स, ये ब्लैंक है हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, प्लीज देखिए प्रोडक्ट रैम्स के अंदर हमको वैलिडेशंस नहीं लगानी इन तीनों के अंदर, ठीक है ना। तो मैं इसे हटा दूंगा। सो एक तो हमारा इतना हो गया, इसको कॉपी करते हैं। एंड नीचे कैटेगरी, सब कैटेगरी, रेटिंग इस फीचर यहां पर, ठीक है ना। एंड अब इसके नीचे आएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, इस फीचर, ये प्रोडक्ट स्टॉक आ गया एंड रेटिंग्स डिस्काउंट, ये रहा, ठीक है ना। सो पहले मैं इसे कॉपी करूंगा, तो रेटिंग पे जाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ये, ओके। एंड उसमें वैल्यू मैंने ऐड कर दी, प्रोडक्ट फॉर्म फील्ड डॉट वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। एंड ये डिस्काउंट तो हो गया। एंड प्रॉपर तरीके से ये कॉपी करूंगा। एंड उसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद मैंने प्रॉपर ये ऐड कर दिया, ठीक है। एंड इसके अंदर हमको देखिए क्या करना एक चाहिए, जब हम यहां पर यूज इफेक्ट चला रहे हैं, एक बार जब ये डेटा आ रहा है ना हमारा, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या काम किया, यहां पर ये लिस्ट का डेटा है, ठीक है ना। तो मेरे को उन तीनों में वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं करता हूं सेट प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है ना, आर ई एस डॉट प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है। एंड एक और कॉपी किया, तीन कॉपी किया मैंने, ठीक है। सेट प्रोडक्ट साइज, ओके। एंड प्रोडक्ट साइज के अंदर ये कॉपी करा हमने, आर एस डॉट प्रोडक्ट साइज। एंड यहाँ पे सेट प्रोडक्ट वेट, एंड यहाँ पे सेट प्रोडक्ट वेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये प्रॉपर एडिट का भी फंक्शन अब चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो मैं एक बार और इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ एंड एक प्रॉपर एंट्री चेक करूंगा, ठीक है ना। एंड इसका इसके अंदर भी है, देखिए बाकी सब इनपुट ही हमारे, ठीक है ना। अब मैं प्रॉपर एक प्रोडक्ट को अपलोड करके दिखाऊंगा एंड उसको एडिट भी करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं पहले इसको एडिट कर लेता हूं, वो अपलोड करूंगा पहले। सो ये फैशन है, ये मैन, ठीक है। एंड ये एंड ब्रांड में ब्रांड आ जाएगा, रेटिंग 4, डिस्काउंट में इतना, एंड प्रोडक्ट रैम्स 8, ये ठीक है। एंड इसके अंदर इमेज, मैं कोई अच्छी सी इमेज अपलोड करूंगा ना, तो मैं जाऊंगा सर्वर में, यहां पर मैंने बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है ना। यहां से आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। सो मैं ये दो इमेजेस अपलोड कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड देखिए मैंने इसके अंदर ना इफेक्ट भी लगाया हुआ है, ये ब्लर होके हमारी जो, मैंने इसमें लेजी लोड इमेज कंपोनेंट रिएक्ट का एक पैकेज है उसको यूज किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो चुका है। अब मैं जब इस पर एडिट पर क्लिक करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं यहां पर सारा, ये भी आ रहा है फील, ठीक है, ये भी आ रहा है फील, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सारा सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से हम चाहें यहां से ये मैं एडिट करूंगा, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्रॉपर एक इमेज बची यहां पर। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर अपना लिस्टिंग कर सकते हैं यहां पर। एंड यहां पर जो हमारी लिस्टिंग है, ठीक है ना, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं सारा, और मैं ओपन करता हूं अपना डैशबोर्ड, उसका सॉरी
प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ठीक है ना। तो मैं लिस्टिंग में, लिस्ट में कहाँ दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। रेटिंग के बाद डिस्काउंट, प्रोडक्ट रैम्स, वेट एंड साइज, ठीक है ना। ये हो गया हमारा डिस्काउंट का, ठीक है ना। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रैम्स, ठीक है दोस्तों। एंड देखिए यहाँ पर एक चीज है, ये प्रोडक्ट रैम्स, एंड हम चलो इसको खाली ही छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है ना इसलिए। एंड यहाँ प्रोडक्ट रैम्स हो गया, एंड उसके बाद है, ठीक है ना, प्रोडक्ट रैम्स हो गया, एंड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वेट हो गया, एंड प्रोडक्ट साइज हो गया, ठीक है ना। तो हमको चार फील्ड ऐड करनी है एंड में यहां पर रेटिंग के बाद, चार, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारा डिस्काउंट, आइटम डॉट डिस्काउंट, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमारा क्या था, हमने इसका मॉडल मेरे को ओपन करे ओपन करना पड़ेगा दोबारा से, ये प्रोडक्ट का, ठीक है ना। सो डिस्काउंट के बाद है प्राइस, सॉरी इसका रैम्स का, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट रैम्स आ गई, एंड उसके बाद है साइज, एंड आफ्टर दैट आई विल एड प्रोडक्ट वेट, नाइस, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर ये स्कॉलिंग भी आ गई हमारी, ठीक है ना। एंड यहां पर हम एक चीज करेंगे, एक सीएसएस प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये टीएच जो आ रहा है ना यही कॉपी करेंगे, एंड इसकी सीएसएस ओपन करेंगे पहले, ठीक है ना। एंड ये सीएसएस हमारी कहां पर है, ये रही। एंड ये मैं करूंगा यहां पर टेबल के अंदर जो टीएच है, वाइट स्पेस नो रैप, उससे क्या होगा हमारा ये जो सारा डेटा डेटा ना एक ही लाइन में आएगा, ठीक है ना। देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, एंड ये बहुत सही लग रहा है हमको, इजी, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट इजी तरीके से सारा डिटेल्स यहाँ पर हमारी फिल हो गई है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद हम ये सारा क्लोज करते हैं, ठीक है ना। एंड आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने इस प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। एंड हमारे इस फ्रंट एंड पे यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, अभी एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो भी हमारा, देखिए ये वाला शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट अपना अपलोड करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो मैंने देखिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है। एंड मैं से कॉपी करता हूँ, एंड ऐड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नेम हो गया, एंड यहाँ पर डमी टेक्स्ट हो जाएगा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे यहाँ पर सारी। एंड ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करूंगा मैं थोड़ी सी यहाँ पर डमी, एंड यहाँ पर ये कैटेगरी है हमारी फैशन, सब कैटेगरी है मेन, ये प्राइस इतना, ये ओल्ड प्राइस इतना, एंड इस फीचर ट्रू, एंड प्रोडक्ट इन स्टॉक, ये ठीक है, ये ब्रांड हमारा, ब्रांड ये रहा, ठीक है, ब्रांड ये रहा। एंड डिस्काउंट कर देते हैं, एंड डिस्काउंट इसका 15%, एंड प्रोडक्ट रैम्स तो क्योंकि हमारा क्लोथ्स है, ठीक है ना, ये सिलेक्ट नहीं करनी, ये प्रोडक्ट वेट सिलेक्ट नहीं करना, प्रोडक्ट साइज करना है मुझे सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये मैं करूंगा ओके मीडियम, ठीक है ना। एंड यहाँ पर इमेज मैंने ये सेव कर लिया, इमेज अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इमेज अपलोड होगी तो यहाँ पर वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, एंड ये हमारे फ्रंट एंड पे भी शो हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। एंड देखिए इसकी इमेजेस भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है हमारी, ठीक है। तो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। एंड ये ऑसम लग रहा है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ से भी इसकी इमेजेस वगैरह देख सकते हो, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स इसके अंदर मुझे एक काम यहाँ पे करना है अभी, कि क्या नाम है, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ ना, तो ये हमारा ना डिसेबल रहना चाहिए पहले बटन हमारा, ठीक है। तो मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अच्छा ही बनाएंगे ना, अच्छे से अच्छा। तो मैं पेजेस में जाता हूँ, प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर
एक स्टेट बनाऊंगा सेट, इसका नाम है इस डिसेबल, सेट इस डिसेबल, ओके ठीक यूज स्टेट, एंड इसका ट्रू, ये डिफॉल्ट में डिसेबल रहेगा हमारा बटन। सो मैं सबसे नीचे आऊंगा, ये रहा हमारा बटन ठीक है, एंड यहां पर डिसेबल्ड, एंड यहां पर ये इस डिसेबल ठीक है, एंड मैं जरा इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए एंड यहां पर इसका तो हो गया। एंड यहां पर ना एक वो भी लगाना पड़ेगा हमको क्लास, तो मैं इसको को यहां पर बैक टेक दूंगा, एंड यहां पर चेक करूंगा, एक क्लास ऐड कर दूंगा इफ डिसेबल ट्रू, तो यहां पर एक क्लास हो जाएगी नॉट अलाउड ठीक है ना। एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, सीएसएस ओपन करूंगा, एंड सबसे नीचे आ जाऊंगा ठीक है, एंड यहां पर बटन में नॉट अलाउड, एंड कर्सर, कर्सर में होगा हमारा नॉट अलाउड होता है एक, साइज नॉट अलाउड ही होता है इसका, नॉट अलाउड इन, नॉट अलाउ, देखिए सारे यहां पर इसका ऑप्शन है ठीक है ना। चेक करते हैं एक बार, 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 देखिए इस पे ऐसा आ रहा है फोटो, मैं कॉपी पे था अभी, ये ना देखिए नो ड्रॉप ठीक है ना। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, नो ड्रॉप वाला सिलेक्ट कर लूंगा, नो ड्रॉप ठीक है, एंड यहां पर नो ड्रॉप। अब देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर कर्सर इसमें नॉट अलाउड होगा ठीक है ना, देखिए ये डिसेबल ही हो गया है ना। अच्छा सो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको ये जो हमारा बटन है ना, देखिए ये रहा बटन ठीक है, सो मैं इसको क्या करूंगा, बटन एक क्लास यहां पर लगी होगी हमारी ऑलरेडी ब्यूटी एंड ब्लू ठीक है ना। सो मैं यहां पर करूंगा फॉर्म के अंदर ब्यूटी एंड ब्लू पोजिशन रिलेटिव, एंड यहां पर जेन इंडेक्स। अब देखिए मैं वो रिफ्रेश करता हूं दोबारा, ये हमारा जो इमेज रैपर है ना इसके ऊपर चल रहा है, देखिए ये इसके ऊपर चल रहा है, कि ये क्यों चल रहा है देखते हैं जरा हम। अच्छा तो ये इमेज बॉक्स सेक्शन के अंदर ही हमारा ये कर्सर डिफॉल्ट है। सो मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, नो ड्रॉप इंपॉर्टेंट। अब देखना तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये जो हमारा बटन है ना
इसको कट्टी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट करते हैं इसके बाहर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, देखिए दोस्तों ये ना डिसेबल की वजह से हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा सही है, कोई इशू नहीं है, वहीं पर रहने दो, तो डिसेबल है हमारा, ठीक है। एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए इसको हमको इनेबल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये जब फील्ड्स पूरी ऐड कर लेगा ना, मेरे को एक यहां पर कंडीशन लगानी होगी, ऑन चेंज फाइल एंड अच्छा देखिए मुझे एक यूज इफेक्ट कॉल करना पड़ेगा यहां पर, यह हमको डिसेबल हम यहां पर कर क्यों रहे हैं यार, पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आ रही। ये सही है, हमको बिना डिसेबल के रखते हैं, ठीक है ना, इसको कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमने ये देखा कि हमने इसमें नई फील्ड्स ऐड करी है, ओके। एंड एंड हमने इसको यहां पर देखिए, यहां पर वैलिडेशन तो लगाई रखी है हमने, तो क्या जरूरत है करने की, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स हमने इसको प्रॉपर यहां पर कर भी लिया है, एंड अब आई थिंक मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ रह नहीं गया है इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। सो यहाँ पर हाँ देखिए ये डिस्काउंट हमको वो करना है, क्या नाम है, डायनेमिक। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने क्लाइंट पे आऊँगा एंड उसमें कंपोनेंट में एंड प्रोडक्ट आइटम, यहाँ पर ये जो डिस्काउंट आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है डिस्काउंट, सबसे ऊपर आ रहा था ये रहा, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट आइटम डॉट डिस्काउंट, ठीक है। सो यहां पर इसका डिस्काउंट भी डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये डायनेमिक भी हो गया हमारा, ठीक है ना, ये डिस्काउंट भी इसका डायनेमिक हो गया हमारा। एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे से काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने इसकी कैटेगरी की एपीआई बना ली है एंड इस प्रोडक्ट की भी एपीआई बना ली है, एंड मैं प्रीवियस एंड में नेक्स्ट वीडियो में ना बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मैं अपलोड कर लूंगा ऑलरेडी, जैसे हमारा टाइम बचेगा, ठीक है दोस्तों। एंड उसको हम यहाँ पर फ्रंट एंड पे काम करना आगे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।